Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will study Science, Class 8, Chapter 4, NCERT, that is Materials, Metals and Non-Metals. Lecture 2. So let's start with our topic. Chapter 4, Materials, Metals and Non-Metals. Previous video mein humne metals and non-metals ki फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया. फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, लस्ट्रस, उनकी अपीयरेंस के बारे में एंड वेदर दे कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं. इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ इन दिस वीडियो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन, दैट इज द O2, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं इसको हम देखेंगे. रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं. तो ये सभी प्रॉपर्टीज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक बस की आयरन की बनी हुई एक मेटलिक बॉडी है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहां पर रेडिश ब्राउन कलर के आपको स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे. तो ये रेडिश कलर के जो स्पॉट्स हैं ये बेसिकली आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है. प्लस एनवायरमेंट में हमारे ह्यूमिडिटी भी होती है, राइट? तो ह्यूमिडिटी प्लस ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना लेता है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग. दिस इज द मेटल ऑक्साइड एंड दिस इज द आयरन ऑक्साइड एंड इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. मींस लोहे पर जंग लग जाना. जंग लगता है बिकॉज मेटल्स आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुई है. तो आइए देखिए अब इस प्रोसीजर को हम केमिस्ट्री में कैसे लिखेंगे, मींस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी, आयरन प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, हियर यू कैन सी, ऑक्सीजन हमें मिल रही है एनवायरमेंट से, बिकॉज एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेज होती हैं. प्लस ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी होती है एनवायरमेंट में, प्लस वाटर. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा. बिकॉज मेटल, आयरन एक मेटल है एंड मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड. दैट इज इस केस में क्या बनेगा, आयरन के केस में आयरन ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं रस्ट. तो आयरन ऑक्साइड, अब टू टाइप्स के ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, वन इज FeO एंड सेकंड ऑक्साइड इज Fe2O3, राइट? ये दोनों ही आयरन के ऑक्साइड है एंड इनका जो साइंटिफिक नेम है आयरन टू हम बोलते हैं इसको, FeO, दैट इज द फेरस ऑक्साइड. फेरस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, FeO, एंड Fe2O3 को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड. दिस इज द आयरन 3, बिकॉज इसकी वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी है 2. वैलेंसी के बारे में भी अभी हम और डिस्कस करेंगे अपने किसी और चैप्टर में या हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. फिलहाल आपने लर्न करना है आयरन 2 इज द FeO, दैट इज द फेरस ऑक्साइड एंड आयरन 3 इज द Fe2O3 व्हिच इज द फेरिक ऑक्साइड. तो आइए अब हम बात करेंगे ऑक्साइड के नेचर की. मींस अभी जो हमने ऑक्साइड बनाया है दैट इज द आयरन ऑक्साइड FeO और Fe2O3, बोथ आर आयरन ऑक्साइड्स एंड इनकी अब हम नेचर के बारे में बात करेंगे. मींस या तो ये एसिडिक होंगे या फिर ये बेसिक होंगे. तो आइए जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर प्लेट में थोड़ा सा रस्ट लिया है. दिस इज द आयरन ऑक्साइड हेयर विच वी कॉल रस्ट एंड इस रस्ट को अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे प्लस इसमें वॉटर एड करेंगे, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिटमस पेपर लिया है टेस्ट करने के लिए, राइट? बिकॉज हमारे पास टू टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं, वन इज रेड एंड वन इज ब्लू. ये टेस्ट करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, मींस खट्टा है, या फिर सॉल्यूशन हमारा बेसिक है, मींस कड़वा है. देखिए अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मींस दैट इज ए बेसिक नेचर और बेसिक ऑक्साइड. एंड अगर ब्लू से रेड लिटमस में कन्वर्ट होता है, दैट विल बी एसिडिक ऑक्साइड और एसिडिक नेचर. तो आपने अपने माइंड में रखना है, ब्लू लिटमस पेपर जब रेड में कन्वर्ट होगा दैट विल बी एसिडिक नेचर एंड रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट होगा दैट विल बी बेसिक नेचर और बेसिक ऑक्साइड. तो यहां पर जैसा कि आप इस देख पा रहे हैं रेड लिटमस पेपर कि आप फ्रंट में देख सकते हैं ये ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है. हमने इस सॉल्यूशन को इस लिटमस पेपर के ऊपर डिप किया एंड ये जो हमारा आयरन ऑक्साइड था
ये आपका उस आयरन ऑक्साइड ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दिया. मींस आयरन ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, बेसिक इन नेचर. हियर यू कैन राइट रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू सो इट विल बी ए बेसिक ऑक्साइड. तो आयरन ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा. सो जनरली मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, वेदर इट इज ए आयरन और ए कॉपर. सो जनरली अगर हम बात करें तो ये सभी ऑक्साइड्स जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, वो बेसिक नेचर के होते हैं. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और मेटल की, विच इज ए मैग्नीशियम. जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन. आप इन दोनों पिक्स में देख सकते हैं, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन एंड मैग्नीशियम इज ए मेटल. अब इस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इन दैट केस ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, यहां पर हमने टोंग लिया है, मींस मैग्नीशियम को होल्ड करने के लिए हमने ये टोंग लिया है हेयर, एंड इसको हम एक बर्नर के साथ यहां पर बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो मैग्नीशियम रिबन इज गेटिंग बर्न एंड वॉच ग्लास में व्हाइट कलर के मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स गिर रहे हैं. राइट, दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज द वॉच ग्लास. सो यहां पर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा विच इज इन व्हाइट कलर. सो हेयर यू कैन राइट लाइक दिस, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. Mg इज द सिंबल फॉर मैग्नीशियम, दिस इज द सिंबल फॉर मैग्नीशियम, एंड ऑक्सीजन के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज द O2, एंड इन दोनों से बनता है MgO, दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर हम यहां पर लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, बिकॉज मैग्नीशियम इज ए मेटल, सो जैसा कि हमने प्रीवियसली बात की थी कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा बेसिक ऑक्साइड होगा. मींस इसकी भी नेचर कैसी होगी, ये भी बेसिक नेचर का होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर मेटल की. एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज ए कॉपर मेटल, और कॉपर मेटल के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कोटिंग ऑफ ग्रीन एंड ब्लूइश कलर. आपको एक ब्लूइश एंड ग्रीनिश कलर की यहां पर एक कोटिंग दिख रही होगी. ये कुछ नहीं है, ये कॉपर के ऊपर जंग लग चुका है. जैसे आयरन के ऊपर रेडिश और ब्राउन कलर की कोटिंग थी, एंड सिमिलरली कॉपर के ऊपर ग्रीनिश एंड ब्लूइश कलर की कोटिंग है. एंड सेकंड फिगर में भी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉपर का एक मग था, इसके ऊपर भी ब्लूइश एंड ग्रीनिश कलर की ग्रीन कलर की कोटिंग आ चुकी है. सो दिस ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है कॉपर के ऊपर, इसको हम बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड की ही ये कोटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं कॉपर के ऊपर जंग लग गया. तो ये होता है मॉइस्ट एयर, बिकॉज हवा में हमारे मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है एंड H2O है. तो जब कॉपर इन तीनों चीजों के साथ, इन तीनों गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वो ग्रीन कलर की कोटिंग बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें. द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर और बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर. आयरन के ऊपर जो जंग लगता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, कॉपर के ऊपर जो जंग लगता है उसको हम बोलते हैं कोरोजन. तो केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि आप इस केमिकल इक्वेशन में देख पा रहे हैं, Cu इज द कॉपर, H2O इज द मॉइस्ट मॉइस्चर दैट इज वी गेट फ्रॉम एयर, एंड CO2 भी हमें हवा में होती है, दैट इज फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, O2 के लिए ऑक्सीजन के लिए O2 सिंपल. तो ये जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगी एंड बनेगा प्रोडक्ट साइड में कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच इज द कोरोजन ऑन द कॉपर. इसी को हम बोलते हैं कॉपर के ऊपर जंग लगना. So, हमने स्टडी किया मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, राइट, मींस आयरन की ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, एंड मैग्नीशियम जब एयर के साथ बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन दैट केस ऑल्सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. कॉपर के केस में कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस कॉपर कार्बोनेट बनाता है, राइट. सो ये हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाई एयर की और ऑक्सीजन की. अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन की. इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहां पर हमने इस स्पैचुला के अंदर नॉन मेटल ली है विच इज सल्फर. यहां पर आपको एक येलोइश कलर का सल्फर पाउडर दिख रहा होगा इस स्पैचुला के अंदर, राइट, एंड इस स्पैचुला के अंदर जो सल्फर पाउडर है इसको हम बर्न करेंगे,
और जो भी इसमें से गैस रिलीज होगी उसको हमें इस जार में कलेक्ट करना है। जैसा कि आप इस जार में देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर गैस दिख रही होगी, राइट, एंड दिस इज दी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर आपके पास ये स्पैचुला नहीं है तो आप इस टाइप से आप एक स्पून बना भी सकते हैं। सो आई कैन राइट लाइक दिस, व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद दी ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल हम जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगी। इन केस ऑफ सल्फर कौन सा ऑक्साइड बनेगा? सल्फर ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। इस चीज को भी हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर की हेल्प से। केमिस्ट्री में हम लिखेंगे एस इज द सिंबल ऑफ सल्फर एंड एस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सॉलिड। सल्फर को हमने पाउडर की फॉर्म में लिया, सॉलिड की फॉर्म में लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है इसलिए हमने ब्रैकेट में जी लगाया है, और इससे हमें क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड विच इज ए गैस जिसको हमने इस जार में कलेक्ट किया है। नाउ अब हम इसको वॉटर में मिक्स करेंगे टेस्ट करने के लिए कि इसकी नेचर कैसी है, SO2 इधर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो इसके लिए हमने इसको पानी में मिक्स किया, ये सल्फ्यूरस एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहां पर इसको हमने पानी इसमें मिक्स किया और ये लिक्विड बन गया। इसको जब हम लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस जब भी ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट होता है दैट विल बी ए एसिडिक सॉल्यूशन। सो हम टेस्ट कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को लिटमस पेपर से उसको पानी में डिजोल्व करके, मींस ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक इन नेचर एंड दिस इज द रिएक्शन। SO2 इज द सल्फर डाइऑक्साइड, हमने इसको पानी में मिक्स किया विच इज इन लिक्विड स्टेट एंड दिस इज फॉर्मिंग सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। दिस इज एसिडिक बिकॉज सल्फर इज ए नॉन मेटल। सो इन जनरल हम बोल सकते हैं जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, वेयर एज जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। सो अभी तक हमने स्टडी की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब एयर के साथ रिएक्ट करती हैं, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ऑक्साइड्स बनाती हैं, राइट। अब हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वॉटर। कुछ मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये पानी के कॉन्टेक्ट में आते ही रिएक्ट करती हैं और इस रिएक्शन में काफी अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दैट्स वाई इन तीनों ही मेटल्स को हमें कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखना पड़ता है बिकॉज हवा में भी मॉइस्चर होता है। अगर ये उस मॉइस्चर के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगी देन दे विल रिएक्ट और इस रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, राइट। सो आई कैन से सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स वाइग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वॉटर, ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो बच्चों आपको अपने माइंड में रखना है कि जो हमारी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मेटल्स होती हैं बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, दैट्स वाई इनको हमें केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखना पड़ता है। जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई दीज मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज हमारा आंसर क्या होगा? बिकॉज these metals are very reactive, they react vigorously with oxygen and water and a lot of heat is generated in the reaction. To ye aap picture mein dekh sakte hain, humne pani mein sodium metal ko dissolve kiya to dekhiye kaise heat nikal rahi hai, fire lag gayi hai, pani mein hi aag lag gayi hai. So this is the sodium metal jab wo pani ke sath react karti hai. So पानी के साथ जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो बनाती है मेटलिक ऑक्साइड, दैट इज द सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे ये बनाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, दैट इज द NaOH, इसको केमिस्ट्री में हम कैसे लिखेंगे? Na2 इज द सोडियम ऑक्साइड, राइट। जब ये पानी के साथ रिएक्शन होगी देन इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की पानी के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, फास्फोरस, फास्फोरस एक नॉन मेटल है। जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, दैट्स व्हाई फास्फोरस को भी हमें पानी में स्टोर करके रखना पड़ता है, राइट।
So generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive with oxygen. Such non-metals are stored in water. Non-metals oxygen के साथ काफी reactive होती हैं, but water के case में water के साथ reactive नहीं होती. That's why phosphorus-like non-metals इनको हम पानी में ही store करके रखते हैं. So इस video में हमने study किया metals and non-metals कैसे oxygen के साथ react करती हैं and water के साथ react करती हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एसिड्स और बेसिस के साथ जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. दैट्स इट. थैंक्स फॉर वाचिंग.